भक्तों आज मैं आपके लिए ऐसी छह चौपाइयां बताने के लिए जा रहा हूं, जिन्हें आप प्रातःकाल जपें। आपके जीवन में यह छह चौपाइयां चमत्कार कर देंगी। एक बार इन चौपाइयों को आप जपें। रामायण के सुंदर कांड में से यह चौपाई है आपके लिए मैं सुनाने जा रहा हूँ, और आप इन्हें जपें। कहता हूँ आपके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। हमेशा आपके जीवन में खुशहाली ही आएगी। तो यह चौपाई इस प्रकार है कि जामवंत के बचन सुहाए सोने हनुमंता हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे खेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवा सीता ही देखी होई काज मोहे हरस विशेषी। यह कहे नाई सवन कहूँ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर सभारी तर के उपवन तनया बल भारी। जिहि गिर चरण दे हनुमंता चले उसुगापा ताल तुरंता। जिमिया मोघ राघु पते कर बाना यही भाते चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बेचारी ते मैनाक होए समहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीने बिनु और मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है इस जीवन में। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने भगवान श्री राम प्रभु का जब तक मैं कोई काम नहीं कर लेता हूँ तब तक मेरे जीवन में कोई विश्राम नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ तो यह है मेरा जीवन बेकार है। इसीलिए मैं प्रभु के लिए प्रभु के कार्य के लिए कभी भी विश्राम नहीं दूंगा अपने इस जीवन में। तो इतनी ही यह छह चौपाई थी, इनको आप निरंतर जपें। सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद सुंदर कांड की यह चौपाई मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो आ रही है अगली वीडियो जल्द ही। बने रहिए हमारे प्रशांत कुमार शर्मा जी के यूट्यूब चैनल में। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।